विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने जो बजट राजस्थान का बजट 2022-23 कर रहे थे, उसके दूसरे पार्ट और ये फाइनल पार्ट है। अपने दो पार्ट में इस पूरे बजट को कवर करेंगे, तो आज अपने इसके दूसरे भाग में चलिए आगे चर्चा करते हैं। और उसमें सबसे पहला मैंने आपको छोड़ा था, वो था कृषि बजट, क्योंकि सभी को अपने को पता है कि अब की बार क्या है, अलग से कृषि बजट जारी किया गया है। तो कृषि बजट पहली बार क्या है, प्रदेश का, राजस्थान सरकार का पहला कृषि बजट है। कौन सा? 2022-23 का जो बजट है वो अलग से कृषि बजट जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें राशि है वो कितनी रखी गई है, ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान क्या रखना है, ये रखना 78,938,68,00,000 रुपए जो है वो कृषि विकास और कृषकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। मतलब एक तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इसके अलावा जो कृषक है उनसे संबंधित योजनाएं हैं उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। कितना है? 78,938,68,00,000, ठीक है। तो ध्यान रखना 78,938,68,00,000, ठीक है। तो ये क्या है, खर्च करने का प्रावधान किया गया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो राशि है जो अलग से कृषि बजट जारी किया गया है, इसकी राशि जो राजस्थान की जो जीडीपी है, जो राष्ट्रीय जीडीपी अपने प्रत्येक सकल घरेलू उत्पाद, उसका कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ध्यान रखना यह राशि राज्य के एसजीडीपी की कितनी, 5.9, ठीक है। ध्यान रखना ये 5.9% है। कितनी है? 5.9% है एसजीडीपी की, ठीक है। तो ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, अगर अपने बात करें कि पिछला जो संशोधित अनुमान है पिछले बजट का 2021-22 का, तो उसका ये 11.6% है। कितना? 11.6%। तो बहुत बड़ी बात है कि अलग से एग्रीकल्चर के लिए 5.9% का जो अलग बजट है वो जारी किया गया है। पहले क्या था, मिक्स बजट के साथ में शामिल होता था कृषि, लेकिन अब की बार क्या है, अलग से कृषि के लिए बजट जारी किया गया है, जिसका वो कितना है, पूरी जीडीपी का, राज्य की जीडीपी का 5.9% है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगला ये बात कर रहा है, देखो दो बात है। एक तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर के लिए कितना, 5.9%, ये अपने पढ़ा। वो क्या है, ये बजट है कौन सा, एग्रीकल्चर जो बजट है वो है जीडीपी का। अब यहां बात क्या कर रहा है, ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है पूरी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां कौन सी है, जैसे कृषि हो गया, कृषि के साथ पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो इससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो कितने प्रतिशत है जीडीपी का, तो राज्य की जीडीपी का 30% है। कितना? 30%। और जो कृषि बजट है वो एस जीडीपी का कितना है, 5.9%। तो इन दोनों बातों में आप ध्यान रखना, अंतर है दोनों में, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अगला। ये कह रहा है कि पिछले बजट में जो कृषक कल्याण कोष था उसके अंतर्गत 2,000 करोड़ की जो प्रावधान था, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक साथी, मुख्यमंत्री है किसानों के साथी हैं, ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये योजना प्रारंभ कब की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने को, जो पिछला बजट था कौन सा, 2021-22 का, उस बजट में ये योजना प्रारंभ की गई थी। प्रावधान क्या था, एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया जिसमें प्रावधान किया 2,000 करोड़ रुपए अपने इसमें रखेंगे। ये तो बात थी पिछले बजट की, 2021-22 के बजट में एक योजना प्रारंभ की, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और उसी के साथ बनाया गया कृषक कल्याण कोष बनाया गया, और इस कोष में 2,000 करोड़ रुपए रखे गए कि ये किसानों के लाभ के लिए 2,000 करोड़ रुपए इस कोष में रख दिए। इस बजट में क्या किया इन्होंने, इस 2,000 करोड़ रुपए की जगह बढ़ाकर कितने रख दिए, 5,000 करोड़ रुपए रख दिए। सीधी सी बात है, 5,000 करोड़ रुपए रख दिए। और ये योजना है क्या, इस योजना के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना अपने को। प्रारंभ तो ये हुई थी 2021-22 में। योजना ये है कृषक साथी, किसानों का साथ कैसे देंगे,
साथ इस तरीके से देंगे कि मान लो किसान के साथ खेत में दुर्घटना हो जाती है, ट्रैक्टर का यूज करते वक्त उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो नॉर्मल दुर्घटना पर 50,000 रुपए कितने मिलेंगे प्रोत्साहन के रूप में, मतलब बीमारी से निकलने के लिए या दुर्घटना से निकलने के लिए नॉर्मल जो होती है उसमें 50,000 रुपए और अधिकतम 2,00,000 रुपए तक का प्रावधान इसके अंदर है, उनको सहायता दी जाएगी 50,000 से 2,00,000 रुपए तक की उसमें सहायता की जाएगी। तो ये थी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ठीक है। इसमें कितने करोड़ रुपए कर दिया गया कृषक कल्याण कोष में, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वो कर दिया गया। अब एक बात आती है सबसे इंपोर्टेंट बात, और वो बात ये है इसी योजना के तहत और इसी कृषि बजट के तहत कुछ मिशन मोड प्रारंभ किए गए, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या है, कुछ 11 मिशन है वो प्रारंभ किए गए कृषि से संबंधित, कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से टारगेट क्या केंद्र सरकार का 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना, ठीक है। तो इसी के तहत क्या है 11 मिशन मोड है वो प्रारंभ किए गए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मिशन मोड राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो पहले क्या करेंगे एग्रीकल्चर में क्या सिंचाई को प्रबंधित करेंगे, सिंचाई किस तरीके की, पानी वेस्ट ना हो, तो इसी के चलते राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है वो प्रारंभ किया गया है। इसके लिए आपको ये रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है कितने करोड़ रुपए प्रारंभ दिए गए हैं, 2,700 करोड़ रुपए, आपको 2,700 करोड़ रुपए याद नहीं रखने, आपको ध्यान रखना है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया। और इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें ये रखा जाएगा कि 5,00,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसमें प्रावधान क्या है, एक तो माइक्रो इरिगेशन मतलब सूक्ष्म सिंचाई है वो की जाएगी। इसके लिए क्या किया गया, रिसर्च एवं ट्रेनिंग, जो किसानों को पता ही नहीं सूक्ष्म सिंचाई करेंगे कैसे, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई करेंगे कैसे, इसके लिए अनुसंधान और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा किसके माध्यम से। तो ध्यान रखना अपने को सभी संभागीय मुख्यालयों पर, जितने भी संभाग है वहां पर 5,500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे, वहां पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो प्रशिक्षण फिर आगे क्या है वो प्रमोट करेंगे कि इस तरीके से आपको सिंचाई करनी है। कहां पर, संभागीय मुख्यालयों पर, तो संभाग पर ये नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये माइक्रो इरिगेशन से संबंधित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन है जो संभागीय मुख्यालयों पर, ये इतनी बात इंपोर्टेंट है ये याद रखनी है, ठीक है। संभागीय मुख्यालयों पर ये स्थापित किए जाएंगे, मान लो इसकी जगह स्टेटमेंट दे दे कि ये क्या है प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे, नहीं प्रत्येक संभाग में ये खोले जाएंगे, ठीक है, कौन से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन। चलिए चलते हैं दूसरे मिशन पर। दूसरा मिशन है राजस्थान जैविक खेती मिशन। वर्तमान में जो जैविक खेती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी ये क्या मान रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं हमें क्या उर्वरकों वाला जो फल है वो नहीं चाहिए, हमें गेहूं नहीं चाहिए, तो इसकी बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ रही है। तो जैविक जो खेती है उसके अंतर्गत अपने को पता है कि 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में एक नया जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वो प्रारंभ किया गया था। ये मिशन है क्या, ये क्या था, एक महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध जो प्राकृतिक वैज्ञानिक है, हालांकि उन्होंने ग्रेजुएट किया एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और उसी रिसर्च के तहत उन्होंने ये नया जो अनुसंधान है उसके तहत ये प्रावधान निकाला। और ये है क्या, नई संकल्पना है क्या, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नाम से पता चल रहा है जीरो बजट मतलब जीरो, ज्यादा अपने को खर्चा नहीं करना, इसका क्या मतलब है, बिना खर्चे के खेती कैसे होगी। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि अपने को कोई रुपया नहीं लगाना पड़ेगा और खेती कर लेंगे, ये नहीं है, इसका मतलब है अपने को रासायनिक उर्वरकों को कम से कम रखना है, उन्हीं बीजों का प्रयोग करना है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना हो, जैविक खाद का प्रयोग करना है, ठीक है, जैविक खाद जैसे गोबर की खाद होगी, ठीक है, तो उस तरीके का प्रयोग करना है। तो महाराष्ट्र के थे कौन, सुभाष पालेकर, कौन थे, सुभाष पालेकर थे, हालांकि 2014 के आसपास ये संकल्पना आई थी सेंटर के अंदर, और 2015 में इसको अपनाया गया था। सबसे पहले भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, कौन सा था, आंध्र प्रदेश था जिसने इसको सबसे पहले इसको अपनाया, किसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को।
और उसी के चलते 2019-20 के बजट में, कब है, 2019-20 के बजट में राजस्थान सरकार ने भी इसको अपनाया और कहां कहां लागू किया, तो तीन जो जिले थे वहां लागू किया। एक तो था बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक, तीन जगह लागू किया था। और अभी क्या कर दिया गया है, इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने कृषि बजट को जारी करते हुए मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन की शुरुआत कर दी और इसके तहत 600 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। और अब क्या कह रहे हैं कि इसको जैविक कृषि को अपने प्रमोट करेंगे राजस्थान पूरे में, ठीक है। तो तीन जगह स्टार्ट किया गया था, बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक, कब, 2019-20 में। किसकी तर्ज पर, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर किया गया था, आंध्र प्रदेश ने 2015 में इस मिशन को अपनाया था, ठीक है। इसके इजादकर्ता कौन थे, सुभाष पालेकर थे, जिन्होंने क्या है इसको प्रारंभ किया था, यह संकल्पना इन्होंने इजाद की थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगला आता है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। ये क्या किया जाएगा, जितने भी लघु और सीमांत कृषक है जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है खेती की, उनको निःशुल्क क्या है बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के तहत क्या है 50,000, ये देखो बीज स्वावलंबन योजना जो थी उसके आकार को दुगना कर दिया गया और 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा अगले दो वर्षों में। तो ये बीज उत्पादन और बीज वितरण योजना है, इसके तहत क्या है उच्च क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे ताकि क्या है उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगला मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन, बाजरा को प्रोत्साहन करने के लिए। तो जो मोटे अनाज है, क्योंकि अपने को पता है राजस्थान क्या है मोटे अनाज में पहले, बाजरा में पहले स्थान पर ही है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा खेती इसकी होती है। तो बाजरा, ज्वार व जो मोटे अनाज है उसकी खेती को प्रमोट करने के लिए राज्य में मिलेट्स हब के रूप में विकसित करना है, इसको आगे बढ़ाना है मिलेट्स में। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मिशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो याद रखने वाली वो है कि जोधपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स, सीधी सी बात है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इसको बढ़ावा कैसे दिया जाना है, बाजरे का उत्पादन को बढ़ाएं कैसे। तो इस तरीके से रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स की स्थापना की जाएगी, कहां, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यही है जो याद रखनी है इस मिशन में। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगला आता है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। संरक्षित खेती कैसे, जैसे गैर मौसमी जो फसलें हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा तो ये था राजस्थान संरक्षित खेती, मतलब नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, मतलब फसलों को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि के उत्पादन को बढ़ावा मिले। अगला आता है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, बहुत ही सिंपल से इनके तो नाम याद रख लेना कि ये मिशन में शामिल है। उद्यानिकी मिशन मतलब फल है, सब्जियां है, फूल है, उनसे संबंधित जो खेती है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया इस कृषि बजट में। अगला आता है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। ये सबसे बड़ी बात, नील गाय आवारा पशु है उनकी वजह से क्या है फसलों को नुकसान होता है, और उसी को नुकसान को कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक मिशन प्रारंभ किया, वो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है। अब इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे एक्सप्लेन में अपने को आगे मिलेगा बजट का जब वो विस्तार करेंगे। अगला है राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन। भूमि की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं इस मिशन के तहत याद रखना, वो अपने को याद रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इस तरीके से कुछ प्रमोट किया जाएगा इस कार्ड। ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2015 में हुई थी, कहां से, सूरतगढ़ राजस्थान से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, ठीक है, जहां से अपने आज क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अगला राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना, इसके तहत क्या है जो भूमिहीन श्रमिक है उनके लिए भी प्रोत्साहन योजना है इसके अंदर, ठीक है, जो खेत में काम करते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले मिशन पर। 10वां मिशन है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। नई नई तकनीक लगाई जाएगी, तकनीक में क्या, तकनीक में ये ध्यान रखेंगे किसान कभी भी फोन कर ये पता कर सकती है कि इस फसल में ये रोग है, किस तरीके से इसका निपटान किया जाना चाहिए, किस तरीके से इसमें कौन से
जो खाद है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को भी आगे बढ़ाया है। उसमें 50 करोड़ रुपए की लागत से कोई आईटी मोबाइल ऐप है, इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम भी लागू किया गया है, ठीक है। तो उस डायलर के तहत क्या उस ऐप के माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था राजस्थान कृषि तकनीक, मतलब एग्रीकल्चर को टेक्निक से जोड़ दिया गया। अगला और 11वां है वो है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मिशन। प्रसंस्करण क्या होता है? मॉडिफाई करना। संतरा है, संतरे को ज्यादा रखा नहीं जा सकता लंबे समय तक, तो उसका जूस बना दो, जूस बनाकर पैकिंग करके उसको बेचो, ठीक है। तो इस तरीके से जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, मूल्य संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मिशन है वो प्रारंभ किया गया। अब सबसे थोड़ा सा बजट में दिया हुआ है, इसको याद रख लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है। लहसुन के लिए, जो लहसुन है उसके लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा में 12, यहां पर अनार के लिए बाड़मेर, जालौर फेमस है, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा, टमाटर व आंवले के लिए जयपुर, सरसों के लिए ये अपने को पता ही है भरतपुर का, अपने को पता है सेवर है वो सरसों का प्रमुख केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, इसके आसपास के अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ये सभी सरसों में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो जिले हैं इनमें क्या प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है वो लागू की गई है लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा में, अनार के लिए बाड़मेर, जालौर में, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा में, टमाटर, आंवले के लिए जयपुर में, और सरसों के लिए जो अपने पूर्वी जो जिले हैं वहां पर भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधो, ठीक है। तो ये था राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो ये 11 मिशन थे, 11 मिशन मोड है जो लागू किए गए हैं इसमें कृषि बजट में। चलिए चलते अपने आगे। अगला आता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये RAS 2018 मेंस में 10 नंबर का प्रश्न आया था, सीधा पूछा था 10 नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2017-18 के बजट में प्रारंभ की गई थी। अब ये है क्या? तो ये कहते हैं कि कितने राजस्थान के 13 जिलों से, ये 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 13 जिले कौन कौन से? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। अगर अपने राजस्थान का मैप देखें तो मैप के अंदर कौन से आ रहे हैं? सबसे बात करें तो ये बात देखो, एक तो पूर्वी वाले आ रहे हैं, ये दक्षिण वाले आ रहे हैं, मतलब जहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये परियोजना क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इससे क्या होगा? ये नहर परियोजना किससे संबंधित है? एक तो ये है चंबल व चंबल की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, कालीसिंध है, कुन्नू है, मेज है, पार्वती है, ये जो सहायक नदियां हैं इन सहायक नदियों को जोड़कर एक नहर से अन्य जहां पर पानी नहीं है वहां पर पेयजल की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। कब की है? 2017-18 की योजना है। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कितना? 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कितने जिले हैं राजस्थान के? 13 जिले। कितने? 13 जिले हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों को जोड़कर अन्य जो जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, दक्षिणी जो पूर्वी भाग है, उनको सिंचाई व पेयजल से जोड़ना, ठीक है। कौन सा? जो इन नदियों का अधिशेष जल हो, मतलब ज्यादा ओवर फ्लो होता हो उसको जोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा ये परियोजना कब तक पूरी होनी है? तो अपने को ध्यान रखना है ये 2051 तक, ठीक है, 2051 तक का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। तो इसको क्या हाल ही में क्या इसको ना बजट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए गुहार लगाई गई है कि ये राजस्थान की जो परियोजना इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगला आता है कृषि भंडारण व विपणन, कि जो कृषि भंडारण है कैसे उनको भंडारित किया जाए।
तो पहली बात, एक तो चैनपुरा निवाई टोंक में, चैनपुरा नामक स्थान है निवाई टोंक में, कौन सा मिनी एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना नया बजट में ये स्थापित किया जाएगा। अगला, टोंक में ही बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट इंटीग्रेटेड लैब स्थापित की जाएगी, ठीक है, जो जैव उर्वरक है, जो जैविक उर्वरक है, जो अपने जैविक खेती की बात की थी उससे संबंधित जो लैब है वो स्थापित की जाएगी, कहा टोंक में, इंपोर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा सौंफ जींस की जो विशिष्ट मंडी है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थापित की जाएगी सौंफ की। इसके अलावा देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो देवली टोंक में खोला जाएगा। इसके अलावा पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जो पशुपालक है पशुओं का पालन किस तरीके से किया जाता है उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कहा नाथ द्वारा राजसमंद में। तो ये बातें हैं कुछ, ये याद रखने वाली है, तो याद रखना है इनको, तो याद रखने वाली बातें, पहली तो बात चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क, दूसरा बायो पेस्टिसाइड कहां पर, टोंक में, बिलाड़ा जोधपुर में सौंफ जिसकी विशिष्ट मंडी होगी, इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर, देवली टोंक में, मतलब टोंक ही टोंक की बात आ रही है, और उसके बाद में नाथ द्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान है वो खोला जाएगा, ये बजट में दिया है, कृषि बजट 2022-23। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगला, डेयरी एवं पशुपालन, अब डेयरी और पशुपालन के लिए एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी, जो 30 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया, किसमें, इस कृषि बजट में, कहां पर, वो है राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। इसके अलावा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति भी लागू की जाएगी, ठीक है, ऊंटों के पालन के लिए ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति का भी प्रावधान इसमें लागू किया गया है। अब इसके अलावा अब एक नई योजना प्रारंभ की गई है, वो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। अब ये जो है इसमें अनुदान की ये योजना है वो पहले से प्रारंभ थी, इसमें अनुदान की जो राशि वो बढ़ा दी गई है। देखो सरकार द्वारा क्या किया गया, इस प्रसारण के लिए 2013 को 2 रुपए प्रति लीटर जो अनुदान है वो दूध के तहत दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया गया, आगे इसमें बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी क्या है, 2 रुपए प्रति लीटर की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 रुपए प्रति लीटर है वो कर दिया गया है। ये थी दुग्ध जो प्रोत्साहन संबल योजना है वो। चलिए चलते हैं अपने आगे और अंतिम अपने बात करते हैं कर प्रस्ताव की, टैक्स के बारे में, राजस्थान सरकार के द्वारा इस टैक्स में, ये कृषि बजट से अलग है, कृषि बजट कंप्लीट हो गया अपने, अब कर प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, कौन सी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, कौन सी है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये योजना क्या थी। इसके तहत क्या हुआ, 1% क्या अतिरिक्त अनुदान है ब्याज पर वो दिया जाएगा, जितना ब्याज होगा उस पर 1% अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। पहले समझ लें, ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, छोटे उद्योग, कौन से, जो नए उद्योग स्थापित उनके लिए योजना है, इतना याद रखना है, एक बार आगे अपने इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। जो ये योजना है वो ये थी, कब, दिसंबर 2019, सीधा मोटा मोटा याद रखो तो 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई और 2024 तक का इसका टारगेट है, मतलब 24 तक ये योजना है, 2019 से कितना हुआ, 5 वर्ष की योजना है, कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की, कौन सी है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें था क्या, जब 2019 में ये प्रारंभ हुई, इन्होंने कहा कि जो भी नया लघु उद्योग स्थापित करेगा उसको 10 करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, मतलब ऋण दिया जाएगा बैंकों की तरफ से 10 करोड़ तक का, ठीक है, ये पहले की बात, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया आगे इसमें 2022-23 के बजट में क्या कर दिया, अब बजट में किया, एक तो 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान, कैसे, पहले क्या सिस्टम था, पहले था 25 लाख पर, जो 25 लाख रुपए लेंगे उस पर 8% ब्याज लिया जाएगा, ठीक है, 25 लाख से 5 करोड़ तक का ब्याज लोगे उस पर 6% लिया जाएगा, ठीक है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ का जो आप ब्याज लोगे उस पर 5% है वो ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान था, इस प्रावधान में क्या किया, अनुदान दे दिया 1% ब्याज का,
ठीक है। दूसरी बात, एस जीएसटी जो लगता है उद्योग पर 7 वर्ष तक 100% पुनर्भरण दिया जाएगा, ठीक है, 100% पूरा पुनर्भरण दिया जाएगा। पुनर्भरण मतलब दोबारा वापस दे दिया जाएगा एस जीएसटी आप जितना भरोगे। इसके अलावा इसी योजना के तहत इसमें एमएसएमई जो क्षेत्र है, मतलब जो अपने एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसमें ये जो पहले 10 करोड़ रुपए दिए जाते थे बैंकों की तरफ से, वो अब दिए जाएंगे 15 करोड़ रुपए। कितने? 15 करोड़ रुपए कर दिए, ठीक है। इसी के साथ इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसके लिए राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम है जो लाई जाएगी, ठीक है। तो ये अपने देखा योजना कौन सी थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग को बढ़ावा, मतलब एमएसएमई और लघु उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए। कब? 2019 में प्रारंभ हुई, कब तक? 2024 तक, 5 सालों का टारगेट है, ठीक है। इसमें अपने पढ़ा कि पहले क्या था, ब्याज का सिस्टम था, एक तो 10 करोड़ रुपए बैंकों से मिलेंगे और ब्याज कैसा था, 25 लाख तक 8%, 25 से 5 करोड़ तक का लोगे तो 6%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोगे उसमें 5% लगेगा, 6% और 5%, ठीक है। तो ये तीन इसके मोटिव थे, 8%, 6%, 5%, तीन टारगेट थे ये, कि ये इतना ब्याज है वो लिया जाएगा। अब इन्होंने 1% ब्याज अनुदान दे दिया 2022-23 में। इसके अलावा 10 करोड़ मिलते थे उसकी जगह 15 करोड़ कर दिए, ठीक है। और इसके अलावा एस जी एस टी जितनी आप भरते हो 7 वर्ष तक आपको 100% वापिस पुनर्भरण कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपने पढ़ा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजस्थान रूरल टूरिज्म जो पॉलिसी है वो लाई जाएगी, स्कीम लाई जाएगी, और एक राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2015 के अनुसार जो 1 जनवरी 1950 से पूर्व जितनी भी संपत्ति थी उनको, जो होटल है, जो होटल्स थे उनको क्या कर दिया जाएगा, हेरिटेज होटल्स की श्रेणी में मानकर स्टाम्प ड्यूटी है जो वो रियायत दे देगी, स्टाम्प ड्यूटी उन पर नहीं लगेगी जो हेरिटेज होटल है। तो ये थे अपने बजट के मुख्य मुख्य जो प्रावधान थे, जो अपने को इंपॉर्टेंट थे वो अपने कवर किए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन इसी क्लास के बाद अपने ये बजट कंप्लीट होता है और इस बजट के कंप्लीट होने के बाद अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज आर्थिक समीक्षा, ठीक है। तो राजस्थान सरकार जो आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा कौन सी, 2021-22। तो चलिए चलते हैं अपने इसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।